गाइस वेलकम बैक टू डिंकोस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक फेशियल ट्राई करने वाली हूँ। ईद आ रही है तो मैंने बोला चलो एक फेशियल ट्राई करते हैं। अपनी स्किन के ऊपर फेशियल ट्राई कर रही हूँ। विटामिन सी का फेशियल है ये, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आगे जाके बताइएगा कैसा रिजल्ट आया। और सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी बॉडी शॉप का क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क आप थोड़ा सा अपने हाथ में निकालो और फिर उसको जेंटली अपने फेस पे मसाज करो कुछ देर के लिए। अभी आपको पता चलेगा मैंने कितनी देर की है। मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ये वीडियो, लेकिन जो है मैंने काफ़ी देर मसाज किया था। आफ्टर दैट मैं इसको रिमूव करूँगी और फिर जो है आगे का प्रोसेस करेंगे। और आप सब लोगों को कहना था अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक भी किया करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार। चैनल को बहुत मेहनत लगती है यार, एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपकी ये जो फिंगर होती है जिससे मैं मसाज कर रही हूँ आइज़ के लिए, ये सबसे इसका लाइट प्रेशर होता है आपकी आइज़ की जगह पर जहाँ पर मैंने मसाज किया ना, सबसे लाइट प्रेशर होता है इस फिंगर का। अगर आप इस फिंगर से अपना अपनी आइज़ के एरिया के अंदर मसाज करोगे ना राउंड राउंड वे में, तो वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइज़ की स्किन बहुत ज़्यादा वो होती है, सॉफ्ट होती है। वहाँ पे सारे हमारे टिश्यूज़ होते हैं जो वो डैमेज हो जाते हैं अगर आप उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से रब कर दो। अक्सर पार्लर के अंदर भी हम जाते हैं ना तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रब कर रही होती हैं फेस को। तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि इतनी ज़ोर से रब करने की क्या दुख बनती है। मैं तो वाजा बोल भी देती हूँ उनको कि आप क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती हूँ मैं, बोल देती हूँ। अब तो बोल देती हूँ, पहले बोलती नहीं थी, अब बोल देती हूँ मैं। क्योंकि यार अब हमारी स्किन ना यार उनको तो फ़र्क पड़ता नहीं है, हमारे को तो पड़ेगा ना फ़र्क। अब मैंने ये फेशियल निकाला है, फेशियल की क्रीम थी इसके अंदर, सब चीज़ें जो सॉल्यूशन होते हैं ना डला हुआ था क्विक वे में जो होता है ना प्रोसेस होता है वैसा। तो इसको मैंने निकाल लिया था। आफ्टर डेट मैंने उसमें जो है अपना ये जॉनसन्स का वाइटनिंग ब्लीच सीरम है वो डाला है थोड़ा सा, और मैं इसको मिक्स करूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिया है और मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब थोड़ी सी ब्लीचिंग करते हैं ना, अगर हम जिस जोन से भी चीज़ करें अगर ब्लीचिंग के अंदर, तो ब्लीचिंग करते हैं ना जब भी हम, तो वो ब्लीचिंग की वजह से ना थोड़ी सी आपको इचिंग ज़रूर होगी अगर आप करोगे ना, वरना फेस पे थोड़ी सी इचिंग होगी, लेकिन वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो वो हो रही थी, थोड़ी सी हो रही थी, मेरी स्किन सॉफ्ट सेंसिटिव है बहुत, तो वो होती है थोड़ी सी, लेकिन वो फिर मैं रिमूव कर देती हूँ, जल्दी रिमूव कर लेती हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है सारा, अपनी ब्लीचिंग का सीरम डाला है थोड़ा सा वाइटनिंग के लिए, और जो है विटामिन सी का फेशियल है ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। फेशियल आपने जो अप्लाई करना है ना, वो आपने अपने नेक पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि फेस के साथ नेक भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं है कि आपने फेशियल मुँह पर लगा लिया सारा, और जो है ना मैंने ईयर्स पे नहीं लगाया इस दफ़ा, क्योंकि जो ना ईयर्स पे भी अप्लाई होता है हमारा फेशियल, और बैक पे भी गर्दन की अप्लाई होता है और फ्रंट पे भी अप्लाई होता है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर फेस हमारा वाइट हो गया है ना, जैसे ग्लो आ गया फेस पे, तो गर्दन हमारी भी ब्लैक लगती है। तो आपको ज़रूर 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 अप्लाई करना होता है। और फिर मैं आफ्टर दैट थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर बैठने के बाद मैंने जो है ना थोड़ी देर क्या काफ़ी देर बैठी थी, और बैठने के बाद जो है मैं उसको अब स्पंज के साथ मैंने उसे बाउल के अंदर पानी था जो, उससे मैं रिमूव कर रही हूँ उसे जो मैंने लगाया था। थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम उसे रिमूव करेंगे पानी से। ये नहीं कि आपने जाके फेस वॉश से मुंह धोना है, क्योंकि फेस वॉश से हम नहीं रिमूव करते, हम खाली नॉर्मल हमारा जो पानी होता है ना, हम अगर ठंडा हो तो वो वेल एंड गुड, अगर जो है ठंडा नहीं है नॉर्मल पानी है उसके अंदर हमने स्पंज को भिगोना है और फिर उसके अंदर से साफ करना है अपना। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फेशियल कंप्लीट हुआ। फेशियल को मैंने अप्लाई करके उतार दिया था, और उसके बाद मैंने फेस पॉलिश अप्लाई की है जॉनसन्स की, और उसके अंदर मैंने डाला था विटामिन ई का कैप्सूल, ये ऑयली फॉर्म में होता है, इसको डाला था मैंने, और डालने के बाद मिक्स किया था अपने हाथ से ही, अभी मैं कर रही हूँ जो कि। ये देखिए मैंने मिक्स किया है, इसको डाला है अभी, और फिर अब मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे फेस पे अप्लाई करूँगी।
फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है और अब मैं जेंटली अपनी ये जो थर्ड मेरी फिंगर है हाथ की, इससे देखिए मैं रब कर रही हूँ आस्ता आस्ता। मैंने पहले भी बताया है कि आस्ता आस्ता होता है, इससे सबसे कम प्रेशर होता है इसका, इसलिए हम इसको आइज़ की जगह पे रब करते हैं, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, फिर फाइन लाइन्स और रिंकल्स सब चीज़ें पड़ती हैं उससे। तो जो है इसको जेंटली मैं रब कर रही हूँ, और रब करने के बाद मसाज करने के बाद मैं फेस का भी ऐसे ही मसाज करूँगी और फिर मैं इसको रिमूव करूँगी। हमारा और फेस पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लो भी आ गया था, थोड़ा थोड़ा वाइट लग रहा था फेस, और ग्लो आने की बात होती है, वाइटनिंग की कोई बात नहीं होती ऐसी। बस अब मास्क अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंड पे मास्क लगाना होता है, हमें लाजमी होता है मास्क कोई भी अप्लाई करना आपको, क्योंकि और ये मास्क इतना ठंडा ठंडा था, इतना मज़ा आ रहा था। और मास्क लगा के थोड़ी देर बैठना होता है, काफ़ी देर बैठी थी लेकिन हो ही नहीं रहा था, ड्राई नहीं हो रहा था, पता नहीं गर्मी की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर उतार दिया था एंड पे आके, मुझे रिकॉर्ड करना था। तो फ्रेंड्स, ईद से पहले जो मैंने अपना फेशियल का जो मैंने किया था कि मैंने प्रेपरेशन की थी ईद से पहले, वो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और मैंने अभी मास्क उतारा है, मास्क ड्राई होने के बाद उतारेंगे हम, सही मास्क ड्राई होगा थोड़ी देर हम उसे रखेंगे अपने फेस पे फिर हम उतारेंगे, और वो इतना ठंडा ठंडा था तो मज़ा आ रहा था, और मेरी शर्ट भी गीली हो गई है, सॉरी उसके लिए, शर्ट गीली हो गई है उसके लिए सॉरी। एंड सब कुछ करने के बाद मैंने सब कुछ कर लिया मैंने, और जो है ना उसके बाद मैंने अब ये द ऑर्डिनरी का सीरम है, फेस सीरम है जो मैं रात को लगा के सोती हूँ, तो हम इसको लगाएंगे अपने फेस के ऊपर, क्योंकि आप फैशियल कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, उसके बाद आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा वो भी करना पड़ता है, प्रेप भी करना पड़ता है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा लोगे इसको और इसको अप्लाई करोगे अपने फेस पे, सही। और ये बिल्कुल भी जैसे क्या कहते हैं, बिल्कुल भी ऑयली फॉर्म में नहीं है, ये एकदम से ड्राई हो जाएगा आपके फेस के ऊपर, आप थोड़ा सा रब करोगे और ये ड्राई हो जाएगा। तो आपने फेशियल किया है ना, तो आप इसको भी अपने फेस पे अप्लाई करो और पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर देना, खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा लगाना है ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ, और लगा के इसको छोड़ देना। नहीं, ये मैंने अपने फेस पे लगाया है, और आप बताइएगा ये कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, और ये सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं, एक बॉडी शॉप की थी, ऑर्डिनरी की थी, जॉनसन्स की थी, और जॉनसन्स की थी, और जो फेशियल था वो था वो आप शुरू में मैंने जब उसको दिखाया था टाइटल पर, वो देख लीजिएगा किसका था, विटामिन सी का था वो फेशियल, आई डोंट नो कंपनी कौन सी थी लेकिन फेशियल था। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, ऑर्डिनरी का बीच में मैंने वो भी यूज़ किया है, क्या कहते हैं ब्लीचिंग सीरम भी यूज़ किया है फेस के लिए, और जो बच गया था मेरा वो मैंने अपने हैंड्स पे भी अप्लाई किया है, हैंड्स पे अप्लाई किया था। आपको शायद पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन मुझे पता चल रहा है रियल में देख करके हुआ है, थोड़ी स्किन पे ग्लो आ गया है, वाइट होना नहीं होता मसला, वाइटनिंग का नहीं होता मसला, मसला ग्लो का होता है कि फेस पे ग्लो आया कि नहीं आया, तो मुझे लग रहा है ग्लो आया है रियलिटी में देख के। अब आप मुझे बताइएगा ग्लो आया कि नहीं आया, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि यार मुझे पता चलना चाहिए कमेंट्स करके कि मैं इतनी एफर्ट्स जो कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छी भी लग रही है कि नहीं लग रही है अच्छी, तो आप लोग ज़रूर 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 कमेंट किया करो और मुझे बताया करो कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर मेरी तरफ से, और सबको बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, बाय।